हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिटिल बीज गार्डन। ये येलो हिबिस्कस प्लांट है, ऐसे न्यू परचेज करके लाई हूँ नर्सरी से। समर स्टार्ट हो गए थे और समर का एक बहुत ही अच्छा प्लांट है हिबिस्कस, जो कि मेरे पास येलो कलर में नहीं था तो मैंने इसे खरीद लिया है। इसको ख़रीदने के बाद मुझे 5 to 7 days हो चुके हैं इसको ख़रीदे हुए। 5 to 7 days बाद मैं इसकी रिपोर्टिंग करने वाली हूँ, बिकॉज जो भी न्यू प्लांट आप परचेज करते हो उसको आप 5 to 7 days प्लांट रखना चाहिए अपने घर पे शेड एरिया में दूसरे प्लांट्स के साथ, ताकि प्लांट शॉक में ना जाए और अच्छे से कोप अप हो जाए। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि प्लांट लाते हैं और वो मर जाता है, बिकॉज लाते से ही रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज नर्सरी का एनवायरनमेंट और घर का एनवायरनमेंट बहुत ही अलग होता है। तो 5 to 7 days में अच्छे से सेटल हो जाता है प्लांट न्यू एनवायरनमेंट में। मैं इसकी थोड़ी थोड़ी रूट्स हटा ही रही थी कि थोड़ी ज़्यादा सॉइल हट गई इसमें से, और जब ज़्यादा सॉइल हट गई तो देखा कि ये प्लांट एक नेट पॉट में लगा हुआ है, मतलब जाली जैसा एक पॉट होता है उसमें जनरली नर्सरी वाले इसे यूज़ करते हैं। इसमें किसी भी सीड या किसी भी कटिंग को लगाते हैं तो वो इजीली और जल्दी लग जाती है, बट नर्सरी वाले फिर उस में से नेट पॉट नहीं हटाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और डायरेक्टली ऐसे ही नर्सरी बैग में लगा देते हैं। प्लांट अच्छे से ग्रोथ तो करता है अगर नेट पॉट होता है तो भी, बट इन मतलब लाइक फॉर अ लॉन्ग टाइम, 6 महीने 1 साल बाद प्लांट धीरे धीरे स्ट्रेस में आने लगता है, बिकॉज उसकी जो रूट्स हैं वो ज़्यादा बढ़ नहीं पाती है और इसीलिए प्लांट स्ट्रेस में आ जाता है, कम फ्लावरिंग करने लग जाता है। इसलिए हमें नेट पॉट हटा ही देना चाहिए। इसको धीरे धीरे कट करके मैंने हटा लिया है, अच्छे से कटे ताकि ज़्यादा रूट्स डैमेज ना हो। और जैसे मैं नर्सरी की जो मिट्टी थी उसमें मुझे ये कांच का टुकड़ा मिला, मैं धीरे धीरे उनको अलग कर रही थी तो देखा तो ये कांच का टुकड़ा है, ये पत्थर नहीं है, कुछ नहीं है, कांच का टुकड़ा है जो मुझे लगने भी वाला था, बट वो मुझे एक्चुअली शुरू में ही लग गया कि कुछ चुभ रहा है, बिकॉज जो नर्सरी की मिट्टी होती है मैं उससे केयरफुली ही हैंडल करती हूँ, क्योंकि उसमें कुछ भी निकल जाता है, पत्थर, पन्नी, लकड़ी, कुछ भी होता है तो लग जाता है वो हाथ में। इसीलिए फिर इस प्लांट को अच्छे से इसमें सेटल कर देंगे। बीच में मैंने सॉइल भर लिए, सॉइल मैंने बना ली थी 50% गार्डन सॉइल, 20% फर्मी कंपोस्ट, 10% सैंड, नीम खली और परलाइट, ये सब मैंने ऐड कर दिया था और अच्छे से सॉइल प्रिपेयर कर लिया है। उसके बाद प्लांट को अच्छे से बीच में ही सेटल करेंगे, जिससे कि प्लांट का लुक भी बहुत अच्छा आता है, और सारी सॉइल भर देंगे ऊपर से। सॉइल भरने के बाद हम उसे 1 inch छोड़ देंगे, सॉइल को 1 inch कम ही भरना चाहिए सॉइल को, ताकि हम पानी दें या कुछ भी फर्टिलाइज़र ऐड करें या प्लांट की टिलिंग या गुड़ाई करें तो वो इजीली हो जाए और मिट्टी बाहर ना आए। फिर हम उस प्लांट को शेड में शिफ्ट कर देंगे थोड़े दिनों के लिए, और फिर अच्छे से पानी दे देंगे प्लांट को। थैंक्स फॉर वॉचिंग हैप्पी गार्डनिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।